बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 10 मिनट के अंदर बनने वाला चिकन कॉर्न सूप, जो कि बनता है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। अचानक से घर पे आ जाए मेहमान तो 10 मिनट के अंदर ये वाला यमी सा सूप बना के आप उनको सर्व कर सकते हैं और सर्दी के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो सूप बनाने के लिए हमने इस तरह से लिया है एक सॉस पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैकेट के हम बनाएंगे 4 प्याले, ठीक है। उसके लिए हमने इसमें शामिल करना है 2.5 से 3 मग पानी, ठीक हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पे हम शामिल कर देंगे, ये देखिए, ये मेरे पास पैकेट वाला सूप का पाउडर है, ठीक है। ये इंस्टेंट होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये आपको अपने करीबी किसी भी स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पैकेट जो है ये 150 का मिलता है, 170 का भी होता है। ये ला के आपने इस तरह से इसको पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ये देखिए। और अब इसको हम रखेंगे फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए, इसके ऊपर आपको मकई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्न सूप है। तो ये ले जनाब, यहाँ पे इसे हमने रख दिया है गैस के ऊपर। अब इसके अंदर हमने आने देने हैं बॉयल और इसको हमने पकाना है 5 मिनट के लिए। और चम्मच आपने इस तरह से हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाएँ, ये देखिए। तो ये ले जी, यहाँ पे हो गए 5 मिनट। अब इसमें हम शामिल करेंगे सॉस। तो सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे चिली सॉस 4 से 5 टेबलस्पून, जो कि जान होता है सूप की। और इसके साथ ही शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून सोया सॉस। और अब इसमें जाएगा लास्ट पे 4 से 5 टेबलस्पून वाइट विनेगर, यानी कि सिरका, जिसके बिना सूप का टेस्ट नहीं निकलता, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से ये सारे स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, तोड़ के आपने इसमें शामिल करने हैं। एक अंडे की आपने जो जर्दी है वो निकाल लेनी है और एक अंडे की आपने रहने देनी है। अच्छी तरह से मिक्स करके आप सूप में इसे शामिल करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे हाई करना है और इसको आपने पकाना है हाई स्पीड के ऊपर। चम्मच आपने इस तरह से हिलाते रहना है और अंडे शामिल करने के बाद आपने इसे पकाना है कम अज़ कम 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। तो ये ले जनाब, अब ये तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ़ करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं, ये देखिए इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखा ना आपने, है ना मज़े की रेसिपी। आपको इसमें कुछ भी खुद से शामिल नहीं करना, जस्ट आपने इसके अंदर सॉस वगैरह शामिल करने हैं और कुछ भी नहीं। तो ये देखें जी, ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम और सूप बॉल के अंदर, ठीक हो गया। तो ये लें जी, अब आपने इस तरह से इसको बॉल के अंदर डालना है। आपने एक लेना है सिंगल सर्विंग बॉल, उसके अंदर आपने इस तरह से इसको डालना है, ये देखिए। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करिएगा कि आपका ये वाला कॉर्न सूप कैसा बना, जो कि बनता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर। इस तरह के साशे घर पे ला के रखा करें, ठीक है। अचानक से मेहमान आ जाएं, ये खुद आपका दिल करे शाम को, तो आप इसे बना के पी सकते हैं। तो जनाब, इस तरह से बनाइए, पीजिए, इंजॉय कीजिए। और ऐसी ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी, ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे आएँ, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इस सूप को आपने ज़रूर बना के पीना ही पीना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।